नमस्कार, अमोरकूट की धरती पर हम मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है विशेष चर्चा के लिए एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना के महान प्रवर्तक कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक और प्रवर्तक धीमान विजय मानकर। विजय मानकर जी का एक बड़ा कार्यक्रम आज शहडोल जिले के अंतर्गत चापा रोड पर हुआ है, जो कि मेडिकल कॉलेज से लगा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी आदिवासी सभा हुई है और ये सभा का नाम आदिवासी अधिकार महासभा दिया गया था, क्योंकि आज ही के दिन मध्य प्रदेश की धरती पर राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर कार्यक्रम हुआ। मान के चलिए कि ये उसी के अगेंस्ट में ये कार्यक्रम है। इसी को संबोधित करने के लिए एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, क्या कुछ संदेश दिया अपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज एक तो जो गोंडवाना जो है भारत, ये जो बेसिकली गोंडवाना था, उसकी जो महान सभ्यता है, आदिवासियों की संस्कृति है, उसका एक संदेश दिया है। दूसरा जो अधिकार है, जो मानव अधिकारों को अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस ने सेटल की है, उसको संविधान और बाकी कानूनों में कैसा लाया जाए, उसके लिए हमें क्या काम करना है, ऐसे दो बातों पर कहा है। तीसरा जो है, जो आज भोपाल में जो प्रोग्राम जो है छलावा प्रोग्राम जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने और मोदी जी ने किया, तो वो कैसे गलत है और उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं किया, इनकी क्लास भी ली आज मैंने। लगता है आपके इस कार्यक्रम से जो संदेश गया है उससे देश की सरकारें जो है, मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं, कुछ काम कर पाएगी जिन राइट्स की आप बात कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, उस पर करना चाहिए। वैसे तो जुलाई का जो उन्होंने अभी जो प्रस्तावित जो पेशा अधिनियम का जो ड्राफ्ट दिया है, उसके हिसाब से तो वो ग्राम सभा को अधिकार नहीं दे रहे, ज़मीन देना है या नहीं देना है इसका क्लियर अधिकार नहीं दे रहे, मिनरल राइट्स मिलना है या नहीं मिलना है इसका अधिकार नहीं दे रहे, वो पेशा रूल्स प्राइवेट सेक्टर को अप्लाई नहीं होंगे, वो पेशा रूल्स में अधिकारी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते ग्राम सभा के डिसीजन को, तो उनके ऊपर फाइन का पनिशमेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे तो पेशा अधिनियम बनाकर जो है फॉर्मेलिटी करने में मतलब नहीं है। अगर करना है तो ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार देना चाहिए कि वो ज़मीन उनको देना है या नहीं देना है, और मिनरल राइट्स देना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ऑफिसर्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती, उस तो फाइन और बाकी पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव ट्रस्ट पर भी ये लागू होना चाहिए शेड्यूल्ड एरिया में। जाहिर है कि आपका तात्पर्य यही है कि सरकारें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, कर नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं इन कामों को करने के लिए बड़े पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिटिकल पावर बैलेंस में आपको आना पड़ेगा। तो क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर, चूँकि मध्य प्रदेश में आप शहडोल की धरती पर पहली बार पहुँचे हैं और मध्य प्रदेश में एपीआई है, लेकिन उसका जो काम है जो अभी तक लोगों को बड़े लेवल पर जो दिखना चाहिए था वृहद लेवल पर, वो नहीं दिख पाया है। ऐसे में यहाँ पर सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से आप पहुँचे हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, चूंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टियाँ पहले से ही काम कर चुकी है, तीन के साथ में किस तरह का आप तालमेल बनाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में एपीआई तो ऑलरेडी है, अभी इसका विस्तार का काम चल रहा है और 23 का जो चुनाव है उसमें हम अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत सारी सीटों पर एपीआई के कैंडिडेट्स रहेंगे और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव भी यहाँ से लड़ाएंगे और लिमिटेड अलायंस करेंगे। जो भी लोग जो है मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसकी जो नीति एपीआई ने डिक्लेयर की, और विशेषता आदिवासियों की बात आज हो रही है 15 नवंबर को, तो आदिवासियों के जो राइट्स का डिक्लेरेशन किया है मैंने, जो दो बिल दिया है, फिर पेशा नियमों के ऊपर जो पिटीशन किया है, ट्राइबल कोड होना चाहिए करके सेंसस में जो है वो ये पिटीशन किया है, ये तमाम चीज़ों पर जो पार्टी सैद्धांतिक तौर पर एग्री करेंगी उनके साथ लिमिटेड अलायंस करेंगे और एक विकल्प जो है मध्य प्रदेश में निर्माण करने का प्रयास करेंगे। गौरव और स्वाभिमान की बात हो रही है, गौरव और स्वाभिमान तो तभी बरकरार रहेगा जब अधिकार सुरक्षित होंगे, अधिकार मिलेंगे, यहाँ तो अधिकार ही नहीं मिले, इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए जो मैंने बिल्स दिए और पिटीशन दिए है उसके हिसाब से अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से नीति बनने की जो है वो ज़रूरत है, और वो काम जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, वो काम करने के लिए हम जो है वो आगे आएंगे। और एपीआई जो है पॉलिटिकल बैलेंस बिगाड़ेगी, जब पॉलिटिकल बैलेंस जब बिगड़ेगा तब आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित होंगे देश में। तो शहडोल की धरती पर हम मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, हमारे बीच कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपका मैं नाम जानूंगा, क्या नाम आपका? ये नारायण सिंह धुर्वे। धुर्वे जी, ये बताएंगे आज जो विजय मानकर जी ने एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक संदेश दिया, इस संदेश का जो तात्पर्य है आप समझ चुके होंगे, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, सामाजिक संगठनों के लोगों की खास करके, कि किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि आदिवासियों के अधिकारों की अगर बात हो रही है तो अधिकार लोगों को मिल सके? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जो है बिरसा मुंडे की जयंती पर जो है बधाई देना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये कि आज की जो संदेश है
तो हम ये चाहेंगे कि जितने सारे जो है आदिवासी हैं वो एक मंच पर आए और अपने हक अधिकार को जानें, और जब जानेंगे तभी स्वाभाविक है लड़ पाएंगे, और लड़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाने के लिए हमारे मानगढ़ जी है ही हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा कि सभी आदिवासियों को एक मंच पर आने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई के साथ एक बात और भी कही है उन्होंने, पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत कही है। पॉलिटिकल पार्टियां तो है ही, उनके साथ में तालमेल भी बनाने की बात उन्होंने कही है, और साथ में मिलके काम करने की भी बात कही है, जहां ज़रूरत होगी वहां अलायंस भी करने की बात उन्होंने मंच से कही है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो फिनामिना जो तय होना चाहिए प्रदेश में देश में, उसको लेकर आप लोगों का, चूँकि सामाजिक संगठनों के लोग हैं, आपसे ये सवाल तो नहीं करना चाहिए, फिर भी क्या नज़रिया रहेगा? अधिकारों की अगर बात है तो बिना पॉलिटिक्स के तो मिलेंगे नहीं। जी जी जी, आपने सही कहा। देखिए क्या है, ये सारे प्रोविज़न हैं संविधान में जी, ये आप सबको पता है, हमको भी पता है, लेकिन आज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं ये मानता हूँ कि इम्प्लीमेंट ना होने के कारण ये है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, और हम लोग के संगठित न होने की वजह से जो है ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा मैं कि जब तक हम लोग जो जितने सारे आदिवासी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, एक मतें नहीं हो पा रहे हैं, तब तक संविधान में कुछ भी आ जाए, कुछ भी कितने सारे आर्टिकल बन जाएं, लेकिन वो धरातल पर उतरने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक ही मंत्र है, और वह मंत्र ये है कि हम सबको जो है एक मंच पे आना पड़ेगा, एक विचारधारा पे आना पड़ेगा, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो एक मंच पर आना पड़ेगा सभी लोगों को, और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ये संदेश यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोगों ने दिया है। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम? लाल बहादुर सिंह लेती। लाल बहादुर जी बताएंगे कहाँ से आए हैं आप इस कार्यक्रम में? मैं बिहारी से आया हूँ। बिहारी, ये शहडोल जिला का विधानसभा है जी। आपको कैसे पता चला ये कार्यक्रम, किस माध्यम से आप यहाँ पर पहुँचे? ये हमारे कुमार भट्टी जी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं जी, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और फिर मानकर साहब को तो मैं यूट्यूब में रोज़ सुनता हूँ, तो मैं तो वो मेरे एक दो महीना पहले बताए थे कि मानकर साहब के डेट यहाँ फिक्स हुआ है, मेरे तो पहले से तैयारी थी कि मुझे उनके सुनने जाना है और मिलने भी जाना है। अच्छा, तो मानकर साहब ने जो बातें कही है उन बातों को लेकर आप कितना सीरियस हुए हैं आज के कार्यक्रम? देखिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पर और अपने जिस संगठन में हूँ, राजनीतिक संगठन में ना, अभी हम लोगों ने तैयार किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सिंह मरकाम जी हैं, तो हम तो हमारी चर्चा हुई है कि मानकर साहब से बैठना है, बैठ कर के जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि कैसे आपको मध्य प्रदेश में अपने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए कौन से स्टैंड लेना है, तो मानकर साहब ने एग्जिट पॉलिसी बनाई है, उसको हम लोग भी इम्प्लीमेंट करें, आवश्यकता पड़ती तो साहब के साथ में मिल के हम लोग राजनीतिक करना चाहते हैं मध्य प्रदेश। ग्राम गणराज्य के ये प्रदेश अध्यक्ष है, और वे यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, वे भी यहाँ पे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आए थे, उनकी बातों से वो सीरियस भी है, और आगे वो जो भी तैयारी है उनकी उसको लेकर चर्चा भी करना चाह रहे हैं। तो शहडोल जो कि अमोरकुट की धरती है, यहाँ से विजय मानकर जी ने एक बड़ा संदेश दिया है, खास करके सामाजिक संगठनों के लोगों को और तमाम तरह के लोगों को संदेश दिया है कि नीतियों के लिए काम करना है, अधिकारों के लिए काम करना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में दखल देना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स को समझना होगा, नीतियों को समझना होगा, तभी उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, उनका कल्याण होगा, और वे समृद्ध होंगे, सुखी होंगे। एनलाइटन इंडिया के लिए यमलेश बंजारी।